आज हम नवरात्रि थाली बनाएंगे। देख लेते हैं पनीर मसाला कैसे बनाना है। हम दो टमाटर को काट के ग्राइंड करके प्यूरी बना लेंगे। पनीर को क्यूब्स में काट के उसे सुनहरा होने तक भून लेंगे। अब तेल डालेंगे हम कढ़ाई में, उसमें जीरा डालेंगे, कसा हुआ अदरक डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ा भून लेंगे। फिर हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम टमाटो प्यूरी डाल के फिर से मिला लेंगे। फिर इसमें कश्मीरी मिर्च, जीरा पाउडर और सेंधा नमक डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पानी डाल लेंगे और पनीर के टुकड़े डाल के 7 से 8 मिनट तक धीमे आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे और ये हमारी पनीर मसाला तैयार हो गई। अब रामदाना या अमरनाथ की कढ़ी बना लेंगे। हम 1/2 कप रामदाना, जिसको पहले मैंने मिक्सी में पीस लिया है, उसे अब हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे धीमे आंच पे। अब हम रामदाना में 1 कप दही, हल्दी, सेंधा नमक, धनिया पाउडर और पानी मिला करके एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तेल में जीरा, सरसों, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, और हींग का तड़का लगा लेंगे। अब हम इसमें वो रामदाना मिक्सचर मिला करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धीमे आंच पे पकने देंगे। समय समय पे इसे चलाते रहना पड़ेगा, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे। अब हम साबूदाने की खीर बनाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने 1 लीटर दूध लिया है। इसे हम उबाल लेंगे और इसमें हम 3 से 4 घंटे भीगा हुआ 1/2 कप साबूदाना डाल दिया और इसको धीमे आंच पे पकने दिया ताकि ये गाढ़ा हो गया। जब ये गाढ़ा हो जाए तो इसमें पिस्ता और हमने किशमिश मिला लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब ये बिल्कुल मिक्स हो जाए अच्छे से तो गैस ऑफ करके हम इसमें स्वाद अनुसार चीनी मिला लेंगे और ये हमारा तैयार हो गया। अब हम मिक्स फ्रूट सलाद बनाएंगे। इसमें आप अपने पसंद के जो भी फल अवेलेबल है उसको लगभग 1 साइज में काट के एक बड़े बोल में मिक्स कर लेंगे। इसमें हम अब मिर्ची डाल लेंगे। अब हम इसमें काली मिर्च, नींबू और सेंधा नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा फ्रूट सैलेड तैयार हो गया।
अब हम कुट्टू के आटे का पराठा बना लेते हैं। 2 कप कुट्टू का आटा ले लिया है और उसमें नमक मिला लिया है और 1 चम्मच काली मिर्च, 2 से 3 चम्मच घी या तेल डाल लेना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें हमें गुनगुना पानी यूज करना है, तो ये पानी हमें धीरे धीरे ऐड करके और कुट्टू के आटे को धीरे धीरे मिक्स करते जाना है और आटे को धीरे धीरे गूंद लेना है। आटे को अच्छे से गूंद के 10 मिनट तक रेस्ट करने देना है। अब इनके छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। इसमें हमें दोनों साइड तेल लगा के बटर पेपर पे हमें रोटियां बेलनी है, नहीं तो ये चिपक जाएंगे। अब हम इसे धीमे आंच पे तावा पे सेक लेंगे। इसको धीमे आंच पे पकाना जरूरी है, नहीं तो ये कच्चा भी रह जाएगा और जल जाता है थोड़ा जल्दी। जब दोनों साइड अच्छे से सिक जाए तो उसमें घी लगा लें और अब ये रोटी हमारी परोसने के लिए तैयार हो गई है। अब हम इस थाली को प्लेट कर लेते हैं और नवरात्रि थाली का आनंद उठाते हैं।